बीएड प्रीवियस और सेकेंड ईयर के बच्चों में कुछ बच्चों ने अभिप्रेरणा के संदर्भ में मुझसे जानने की इच्छा की थी, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभिप्रेरणा बच्चों के लिए इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे छात्र सदैव क्रियाशील रहता है और अपने पठन पाठन के कार्यों में व्यस्त रहता है। और अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ भी यही है कि अंदर से प्रोत्साहित होना और अंदर से एक ऐसा उत्साह जागृत होना जिससे वह अपने कार्यों का संपादन सही ढंग से कर सके, अपने कार्यों के प्रति सतर्क रह सके और अपने पठन पाठन की क्रिया का संपादन सही ढंग से कर सके। यद्यपि भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरह से अभिप्रेरणा को समझाने का प्रयास किया है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लावेल कहते हैं कि अभिप्रेरणा को सही शब्दों में समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि आंतरिक प्रक्रिया के रूप में जो क्रियाशीलता हमारे अंदर दिखाई देती है वही अभिप्रेरणा है। जबकि मैकडोनाल्ड ने अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा उद्देश्य अपेक्षित अनुक्रियाओं को जन्म देती है, अर्थात इसमें कोई न कोई उद्देश्य निहित रहता है और इसी के आधार पर हम और भी अच्छे ढंग से समझ पाए अभिप्रेरणा को कि अभिप्रेरणा क्या है। अगर इसके कुछ गुण विशेष को जानने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमको अभिप्रेरणा सही ढंग से समझ में आ सकती है। तो इसके कुछ विशेषताओं के बारे में हम आपको बताएंगे कि अभिप्रेरणा वास्तव में है क्या। सबसे पहली बात तो यह है कि अभिप्रेरणा जो है वो प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है, यानी कि अभिप्रेरणा प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। जबकि अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार जो है वो किसी न किसी लक्ष्य से निर्देशित होता है, यानी बिना लक्ष्य के अभिप्रेरणा जागृत नहीं होती है। अभिप्रेरणा तभी जागृत होती है जब कोई ना कोई लक्ष्य सामने दिखाई देता है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होता है, ये जेन्युइन ट्रूथ है। कोई न कोई आवश्यकता ऐसी आती है जिससे हमारे अंदर अभिप्रेरणा का जन्म होता है और उस उद्देश्यों की प्राप्ति तक ये जो है अभिप्रेरणा जो है वो जागृत रहती है, क्रियाशील रहती है। अभिप्रेरणा की स्थिति में व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चयनित प्रक्रियाओं को करता है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको अपनाना पड़ता है हमको, तभी जाकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक भी कहते हैं और ये अभिप्रेरक आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं। अभिप्रेरणा वैसे सदैव आंतरिक होती है क्योंकि अंदर से ही जो है जागृत होती है कि हमको ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। अभिप्रेरणा के संदर्भ में जो मुख्य बातें हैं वह यह है कि अभिप्रेरणा उत्पन्न होने के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिन्हें अभिप्रेरणा के कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के संदर्भ में जाना जा सकता है, अभिप्रेरणा के स्रोत के नाम से जाना जा सकता है, जैसे आवश्यकताएं, चालकता और प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा के ये जो तीन स्रोत हैं, पहला स्रोत जो है आवश्यकता, नीड्स, यानी प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिसके अभाव में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और आवश्यकता वास्तव में दैनिक असंतुलन अथवा कमी को प्रदर्शित करता है। इस कमी के कारण ही जो है
व्यक्ति में तनाव की स्थिति पैदा होती है और इस तनाव को कम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा यानी जो आवश्यकताएं उसको महसूस होती हैं उसके लिए जो तनाव उत्पन्न है उस तनाव को कम करने का के लिए व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है वही वास्तव में उसके लिए अभिप्रेरणा का कार्य करता है। जैसे अगर हमको भोजन की आवश्यकता है तो भोजन की आवश्यकता यानी कि क्यों आवश्यक, क्योंकि हमको भूख लगी है तो भूख लगी तो भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन की आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद हमारा तनाव अपने आप कम हो जाता है। अतः संक्षेप में हम इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि आवश्यकता प्राणी के अंदर वह तनाव है जो उसे उद्देश्य लक्षित निश्चित प्रोत्साहनों की ओर प्रवृत्त करता है और उसकी प्राप्ति हित क्रियाओं को उत्पन्न करता है। ये चीज जानने वाली बात है। और आवश्यकताएं भी जो है कई तरह की होती हैं, जैसे कुछ हमारी जैविक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। जैसे जैविक आवश्यकताओं की यदि बात हम करें तो हवा, पानी, भोजन और विविध प्रकार की आंतरिक क्रियाएं जैसे मलमूत्र विसर्जन, सोना और काम की आवश्यकता, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की आवश्यकताएं, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये जैविक आवश्यकताओं के रूप में जानी जाती हैं। जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं जैसे स्वतंत्रता की भावना, सुरक्षा की आवश्यकता, कुछ न कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, आत्मप्रशंसा की आवश्यकता, आत्माभिव्यक्ति की आवश्यकता, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको जानने की आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता के संदर्भ में हमने बहुत संक्षेप में कुछ चीजों को बताया। दूसरी चीज जो है जो अभिप्रेरणा के स्रोत के रूप में जानी जाती है वह है अंतर्नोद या चालकता, जिसको ड्राइव्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। आवश्यकता व्यक्ति में तनाव पैदा करता है और वह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसी को हम अंतर्नोद कहते हैं। जिस रूप में हमको अनुभवातीत होती है उसी को अंतर्नोद हम करते हैं। ये अंतर्नोद इस अंतर्नोद को हम यूँ समझ सकते हैं जैसे पानी की आवश्यकता के फलस्वरूप प्यास लगना, भोजन की आवश्यकता होने पर भूख लगना आदि। अंतर्नोद आवश्यकता होने के बाद आंतरिक स्थिति है। अंतर्नोद की तीव्रता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, यानी कि आवश्यकताएं हमारी जितनी तीव्र होती उतनी ही तीव्र हमारे अंदर अंतर्नोद उत्पन्न होती है। अब तीसरी बात हम समझें जो अभिप्रेरणा के स्रोत के रूप में जानी जाती है वह है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन को यूँ समझ सकते हैं हम कि जिस वस्तु से आवश्यकता और अंतर्नोद की समाप्ति होती है उसे प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे भोजन भूख अंतर्नोद के लिए प्रोत्साहन है, यानी कि जब भोजन हमको मिल जाता है और भूख हमारी मिट जाती है तो यही हमारा प्रोत्साहन है। स्पष्ट है कि आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन तीनों आपस में संबंधित हैं। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है और अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो प्राणी को क्रिया करके तथा आंतरिक व्यवहार की ओर अग्रसरित करके प्रोत्साहन के रूप में उसकी आवश्यकता को संतुष्टि प्रदान करने का कार्य करती है तथा आवश्यकता की समाप्ति के फलस्वरूप ही अंतर्नोद की समाप्ति होती है। यानी यह अंतर्नोद तब तक बना रहता है जब तक कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती है। अभिप्रेरक के संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो अपना भाव रखा है वह यह रखा है कि अभिप्रेरक वास्तव में व्यक्ति के अंदर दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक वह दशाएं हैं जो एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रवृत्ति करती हैं, व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित करती हैं, व्यक्ति को जो है क्रियाशील होने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणास्पद कार्य करती हैं। इस अभिप्रेरणा के संदर्भ में बहुत सारे सिद्धांतों का भी
निरूपण किया गया है जिसमें मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है और मार्गन का शरीर क्रिया सिद्धांत है। व्यवहारवादियों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। एडलर की सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत है, मैस्लो का स्ववास्तविकरण का सिद्धांत है और कुछ व्यवहारवादियों के द्वारा संज्ञानात्मक तत्वों पर आधारित सिद्धांत दिए गए हैं। ये सब सिद्धांत हमको यह बताते हैं कि वास्तव में किस तरह से अभिप्रेरणा के माध्यम से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।